एनकाउंटर स्थल से कुछ दूर पर हम हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो ब्रिज है जो यहाँ पर पाईशा डैम का, वहाँ पर कुछ यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनसे जानकारी करते हैं। जी आपका क्या नाम है? जीतन जी आप यहाँ क्या वजह से काम कर रहे हैं? 10:30-11 बजे के लगभग। 11 बजे से जब यहाँ पर जो पुलिस, और जैसा कि पुलिस का कहना है यहाँ पर मुठभेड़ हुई है, क्या आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी, गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनी थी? गोलियों की आवाज़ सुनी। कितनी देर लगभग चलती रही गोलियाँ? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट गोलियाँ चली हैं। हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर जो गोलियाँ चल रही थी तो कितना समय गोलियाँ चली और कैसे क्या है। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी बताइए, जब आप यहाँ पर काम कर रहे थे तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सुना है आपने? हम पाइप डाल रहे थे ब्रिज पे, जहाँ पे तो केवल गोली की आवाज़ आई। भाई गोली की आवाज़ आई, कितना फोर्स लगभग होगा जब अचानक यहाँ 2-4 गाड़ी थाड़ी थी तो गोलियाँ चली, तो क्या आप लोगों में भगदड़ मची, क्या कैसा क्या है? नहीं भगदड़ नहीं, हमारी तो गाड़ी चल रही थी, हेडरास है, ब्रिज पे काम कर रहे हैं। क्या ये जैसा आपने, जैसा कि पुलिस का कहना है कि यहाँ पर हम पीछा जो जो अतीक अहमद का लड़का है उसका सूटर साथी था, जो कुछ ऐसा नजर आया पीछा करते हुए टीम का भागते हुए, हम लोग काम कर रहे थे, पाइप वाइप डल रहे थे, अगर पाइप पे ज्यादा नजर थी यहाँ पर उतनी नजर नहीं थी, एक गाड़ी आई पहले उसी को नजर किया कि एक गाड़ी आई, सोचा कि वैसे आए होंगे घूमने में। क्या दोनों ओर से गोलियां चल रही थी क्या? नहीं, अब जैसे झाड़ियों में हो रहा था जी। आप लोग भी दहशत में आ गए थे क्या, गोलियां की तड़तड़ाहट सुन? नहीं, हम लोगों ने ये समझा कि शिकारी हैं, शिकार कर रही होंगी, हम लोगों ने दिमाग भी नहीं लगाया, और ये जो पक्षी है वो चिल्ला रहे थे, चाह कर रहे। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ एनकाउंटर हुआ? जो बाद में गाड़ियाँ आई इसलिए फिर मालूम चला, पुलिस की गाड़ियाँ बड़े गांव चौकी से आई, चौकी से गाड़ी रफ्तार में आई है ना, तक उसने सायरिंग बजाई, इसके बाद यहाँ से वापस चली गई गाड़ी, फिर यहाँ पे फोर्स है, काफी फोर्स दिखी तो फिर यहाँ हंगामा हो गया, काफी लोग गांव के बासी लोग भी आ चुके हैं, तो सब लोगों को पता चला कि इनका यहाँ पर एनकाउंटर हो गया है दो लोगों का, तो फिर काफी लोग CMSOV बहुत सी गाड़ी आई है, अब अभी भी आती जाती रह रही है गाड़ी, अब वहाँ का तो पता नहीं है कि कैसा क्या हुआ मुठभेड़ में, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो आपने देखा, इनका साफ साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर ब्रिज पर काम कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी और उन्होंने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर कोई शिकार हो रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद पुलिस की टीम गाड़ियाँ आई तब इन्हें पता चला कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ।